हेलो बेस्ट दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। मेरे लास्ट वीडियो में मैं आपको बताया था कि फ्रेंच डिफेंस के सामने मिंडलबेरी गैम्बिट खेल के हम कैसे जीत सकते हैं, हाउ टू प्ले विथ वाइट पीसेस। आज देखते हैं सेम टॉपिक मिंडलबेरी गैम्बिट अगेंस्ट फ्रेंच डिफेंस और एडवांस वेरिएशन, जिससे कुछ मूव्स चेंज करते हैं। आगे अगर कुछ मूव्स आपको भी बहुत दिक्कत होगी, अगर सारे मूव्स आपने नहीं देख लिए तो फ्रेंच डिफेंस के सामने एक मिस्टेक हो जाएगी तो आपकी गेम लॉस हो जाएगी। तो चलिए देखते शुरू करते कौन से मूव में डिफरेंट है। E4, E6, D4, D5, E5, C5, C3, नाइट C6, नाइट F3, QB6, बिशप D3, पॉन टेक्स पॉन, बिशप D7 और यहाँ पे शॉर्ट कैसल। नाइट टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, क्वीन टेक्स D4। अब नाइट C3, यहाँ एक चेंजिंग देखने को मिला है दोस्तों कि क्वीन टेक्स E5 के बजाय, ब्लैक कैप्चर करने के बजाय बिशप से नाइट पे अटैक करना चाहता है। यहाँ पे नाइट B5। अब देखो बिशप टेक्स B5 में बिशप टेक्स B5 चेक और आपको क्वीन मिल रही है, तो यहाँ पे बिशप टेक्स B5 पॉसिबल नहीं है। तो ये मूव में क्वीन टेक्स E5 ब्लैक करेगा और यहाँ एक अटैकिंग और सरप्राइज मूव क्वीन G4 विथ डबल अटैक ऑन G7 और B4। हालांकि G7 ऑलरेडी सपोर्टेड है, लेकिन हम उसे डिकॉय करेंगे बिशप F4 के बाद। तो यहाँ पे बिशप A5 एक बेस्ट मूव है ब्लैक के लिए। यहाँ बिशप F4, अब G7 को प्रोटेक्ट करने के लिए क्वीन को इसी लाइन में रखना पड़ेगा। क्वीन टेक्स B2 पॉसिबल मूव है। आप सोच सकते हो कि अब ब्लैक की कौन सी मूव होनी चाहिए। काउंटर अटैक भी ब्लैक कर सकता है, जैसे कि नाइट H6, नाइट H6, क्वीन इंटू B2 नॉट गुड। क्वीन इंटू B2 अच्छा नहीं है, क्योंकि क्वीन इंटू B2 अगर करता है ब्लैक तो यहाँ के रुक AB1 आफ्टर क्वीन F6 और क्वीन G3 एंड ब्लैक कैन हार्डली स्टॉप H5। तो यहाँ पे नेक्स्ट मूव में बिशप E5 को कोई रोक नहीं सकता, तो ये पोजीशन आ जाती है अगर क्वीन टेक्स B2 ब्लैक ट्राई करता है। तो यहाँ बात हो रही है क्वीन टेक्स B2 अगर नहीं करता है ब्लैक और क्वीन लाइक ये पोजीशन, लास्ट पोजीशन यहाँ पे काउंटर अटैक नाइट H6। यहाँ आपको सिंपल क्वीन G3 करना है। क्वीन G3 के बाद क्वीन H5। ब्लैक ट्राई कर रहा है गेम सेव करने के लिए, तो क्वीन G7 आफ्टर रुक G8, क्वीन टेक्स H6 आफ्टर क्वीन F3, नाइट D6 और विनिंग द पीस। यहाँ पे ब्लैक रिजाइन कर सकता है, क्योंकि सिंपल किंग E7 अगर करेगा तो क्वीन H4 चेक, किंग F8, बिशप H6 चेक, फोर्स रुक G7। और अगर किंग F8 के बदले जैसे कि ये चेक, बिशप H6 के बाद टोटली गेम वाइट के हाथ में। तो ये काफ़ी अटैकिंग और ज़बरदस्त सैक्रिफाइसल लाइन है। रुक G7 के बाद सिंपल बिशप टेक्स G7 चेक और आप क्वीन प्लस हो जाते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा दूसरा वेरिएशन। इसमें हम एक कुछ गेम्स में आपको दिखाता हूँ इसी पोजीशन से। जैसे ये गेम खेली गई थी 2003 की, लेटेस्ट गेम ये है, बहुत दूर का टाइम नहीं है। E4, E6, D4, D5, वाइट प्लेड E5, ब्लैक प्लेड C5, C3, नाइट C6, नाइट F3, क्वीन b6, bishop d3, pawn takes pawn, pawn takes pawn, bishop d7, व्हाइट ने कैसल किया था। उसके बाद नाइट टेक्स d4, नाइट टेक्स d4, क्वीन टेक्स d4 और नाइट c3। इस गेम में ब्लैक ने क्वीन टेक्स e5 भी पॉन मार लिया था। तो यहाँ मैंने बताया था पहले, इससे पहले वाले वीडियो में रुकी वन क्वीन b8 खेला था ब्लैक ने, नाइट टेक्स d5, व्हाइट प्लेड हियर, बिशप d6। बहुत सारी गेम्स हो चुकी है इस लाइन में, क्वीन g4, और इस गेम में बिशप इंटू h2 चेक एक न्यू मूव ऐड हुई है। किंग h1, यहाँ पे बिशप e5 वापस सेंटर पे, बिशप e5 के बाद बिशप f4, ये भी बहुत ही बेस्ट मूव है। नाइट h6 विद द काउंटर अटैक, नाइट h6 के बाद क्वीन g5, इंटू क्वीन g5, ये भी अच्छी मूव है। आफ्टर बिशप टेक्स g5, सिंपल नाइट टेक्स g5, और इस पोजीशन से काफ़ी गेम्स खेली जा चुकी है और वाइट ने मीन्स के विनिंग रेट वाइट के ज़्यादा है ऐसी पोजीशन में। चलिए एक और गेम देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे सेम सिचुएशन, e4, e6, d4, d5, e5, c5, c3, नाइट c6, नाइट f3, क्वीन b6, बिशप d3, bd7, व्हाइट कैसल। कुछ बार मूव ऑर्डर चेंज होके भी आपका पोजीशन वही आ जाएगी। पॉन टेक्स पॉन, पॉन टेक्स पॉन, नाइट टेक्स d4, नाइट टेक्स d4, क्वीन टेक्स d4, देन नाइट c3, क्वीन टेक्स e5 और रुक e1, क्वीन b8, नाइट टेक्स d5, बिशप d6, सेम सिचुएशन, क्वीन g4, g6। एक ये नया मूव है, आप सोचोगे g6 भी पॉसिबल मूव है। g6 में क्वीन d4 with attack on the rook, e5 is a force move I think, bishop f4, क्योंकि e5 पॉन ऑलरेडी पिन है और पिनिंग पीस पे 1 2 3 अटैक हो चुके हैं जिसे 2 ही सपोर्ट है। बिशप f4 के बाद एक और सपोर्ट बनाना चाहे तो f6। यहाँ आपको नाइट सेक्रीफाइस आ रहा है, नाइट इंटू f6, आफ्टर नाइट टेक्स f6, बिशप क्रॉस e5, बिशप क्रॉस e5 और रुक क्रॉस e5 चेक। आफ्टर किंग d8, रुक e6, अटैक ऑन नाइट, नाइट e8, बिशप b5, मेटिंग थ्रेट, क्वीन c7, फोर्स मूव है जो डिफेंस कर सकता है। रुक d1, एक और अटैकिंग मूव, रुक f8, सिंपल बिशप इंटू d7 और ब्लैक रिजाइन। अब ये चेकमेट बच नहीं सकते किसी भी तरीके से। तो दोस्तों ये थी मिंडलबेरी गैम्बिट की गेम्स, और भी वेरिएशन हम देखेंगे, अलग अलग वेरिएशन के बहुत सारे गेम्स मैं आपको दिखाऊंगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना होगा, तो हर एक वीडियो मिस नहीं होए, इसलिए सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर भी करो। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, जल्द ही मिलेंगे। जय हिंद, जय गुजरात।